हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। टुडेज टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से के क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गोनियोमीटर इज यूज टू असिस। ये क्वेश्चन 2013 में DSSB के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हमारे ऑप्शन है ऑडिटरी फैकल्टी, ऑप्शन बी मसल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट एंड ऑप्शन डी विजुअल एक्विटी। क्वेश्चन में बोला है गोनियोमीटर। गोनियोमीटर का यूज किसे असेस करने में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट। जॉइंट का जो मोशन रहता है उसको असिस करने के लिए, मतलब किस रेंज में वो मोशन उसमें पाया जा रहा है जॉइंट में, वो देखने के लिए हम गोनियोमीटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। कलर कोडिंग फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर इज। ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी ब्लैक विथ वाइट शोल्डर, ऑप्शन सी लाइट ब्लू एंड ऑप्शन डी ग्रे। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, बट उसका जो शोल्डर या ऊपर का कैप होता है वो वाइट कलर का होता है। यहीं यदि हमें हम देख लें कि यदि ब्लू की बात कर रहे हैं तो ब्लू कलर में कौन सी गैस आती है? नाइट्रस ऑक्साइड। और यदि हम ब्लैक, क्वेश्चन में हमें ब्लैक भी दिया है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लैक विथ व्हाइट शोल्डर इज करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक रहता है बट उसका जो शोल्डर या ऊपर का कैप रहता है वो व्हाइट कलर का रहता है। इसलिए हमारा राइट आंसर है ब्लैक विथ व्हाइट शोल्डर। बट ओनली ब्लैक जो रहता है वो किस में यूज होता है? तो आइए हम देखते हैं। तो ये होता है नाइट्रोजन। ब्लू वाला है नाइट्रस ऑक्साइड, ब्लैक वाला यूज होता है नाइट्रोजन गैस के लिए। और सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लैक विथ व्हाइट शोल्डर कलर कोडिंग यूज फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस। ऑप्शन ए प्रॉब्लम, ऑप्शन बी इटियोलॉजी, ऑप्शन सी रिस्क फैक्टर एंड ऑप्शन डी इवेल्युएशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। जो नर्सिंग डायग्नोसिस रहता है उसका फर्स्ट पार्ट रहता है प्रॉब्लम। तो राइट आंसर है हमारा प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड एस। ऑप्शन ए काइफोसिस, ऑप्शन बी लॉर्डोसिस, ऑप्शन सी स्क्लेरोसिस एंड ऑप्शन डी एटेक्सिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी स्कोलियोसिस। ये जो हमारी स्पाइन है ये नॉर्मल, बट इसमें लैटरल कर्वेचर आ जाता है, मतलब ये इस टाइप की हो जाती है, इसको हम बोलते हैं लैटरल कर्वेचर। ये है लैटरल। जब स्पाइन में लैटरल कर्वेचर आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। राइट, जब लैटरल कर्वेचर हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। बट यदि एंटीरियर कर्वेचर आया है एंटीरियर कर्वेचर आने पे हम इसको बोलते हैं लॉर्डोसिस। और यदि पोस्टीरियर है, जो कर्वेचर है यदि वो पोस्टीरियर है तो इसे हम बोलते हैं काइफोसिस। यदि लैटरल कर्वेचर रहता है तो वो कहलाता है स्कोलियोसिस। बट यदि कर्वेचर है वो एंटीरियर है, अंदर की साइड है, मतलब ऐसा और फिर अंदर की साइड से ऐसा है, तो इसे हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। पोस्टीरियर कर्वेचर जिसे रहता है उसे हम बोलते हैं काइफोसिस।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन इज टेस्ट बाय एडमिनिस्टर ड्रग। सेंसिटिविटी और रिएक्शन का जो टेस्ट लगाते हैं उसमें कौन सी ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं? ऑप्शन जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो किस रूट से करते हैं? तो ऑप्शन ए इंट्राडर्मली, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलरी, ऑप्शन सी इंट्रावीनस एंड ऑप्शन डी सबक्यूटेनियसली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंट्राडर्मली। जब रिएक्शन या सेंसिटिविटी टेस्ट लगाया जाता है तो जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जाती है वो इंट्राडर्मल की जाती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मेडिकेशन यूज्ड फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग इज नॉन एस। नोजिया और वॉमिटिंग में जो मेडिकेशन यूज की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी एंटीपायरेटिक, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक एंड ऑप्शन डी एंटीइमेटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी एंटीइमेटिक। एंटीबायोटिक जो रहती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होती है, एंटीपायरेटिक फीवर में यूज होती है, और जो एनाल्जेसिक रहती है ये पेन के लिए यूज होती है। एंटीपायरेटिक फीवर में यूज होती है, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और एंटीमेटिक वॉमिटिंग एंड नोजिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी एंटी इमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ एयर इज। ऑप्शन ए लैरिंगोस्कोप, ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्शन सी ओटोस्कोप एंड ऑप्शन डी प्रोक्टोस्कोप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओटोस्कोप। जब हमें एयर का एग्जामिनेशन करना होता है तो जिस इक्विपमेंट का यूज होता है उसे ओटोस्कोप और इसे ओरिस्कोप भी कहा जाता है। जब हम ओटोस्कोप के थ्रू एग्जामिनेशन करते हैं एयर का तो इसमें नॉर्मल स्क्रीनिंग होती है जिसमें हम एयर कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक विजुअल कर सकते हैं। जो व्यू देख सकते हैं हम ओटोस्कोप के द्वारा वो रहता है एयर कैनाल प्लस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। एयर एग्जामिनेशन के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है वो है ऑटोस्कोप। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप को हम ओरिस्कोप भी कहा जाता है। इसके द्वारा जब हम व्यू करते हैं कान में तो हम एयर कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रन। जब हमें चिल्ड्रन में पेन को असेस करना है तो इन चारों में से हम किसे यूज करते हैं? ऑप्शन ए विजुअल एनालॉग स्केल, ऑप्शन बी न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ऑप्शन सी वॉर्म वेकर फेस पेन रेटिंग स्केल, ऑप्शन डी बर्वल स्केल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी वॉर्म वेकर फेस पेन रेटिंग स्केल इज यूज्ड फॉर असेसिंग पेन इन चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर नाइन, द एप्रोप्रिएट नीडल साइज फॉर इंसुलिन इंजेक्शन। ऑप्शन ए 18 गॉज, ऑप्शन बी 22 गॉज, ऑप्शन सी 25 गॉज एंड ऑप्शन डी 16 गॉज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इंसुलिन इंजेक्शन जो रहता है वो लगता है सबक्यूटेनियस, और जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगते हैं उसके लिए जो नीडल यूज होती है वो 25 गॉज की हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक 18 गॉज दिया है, जब IM लगाते हैं इंट्रामस्कुलर लगाते हैं तब 18 गॉज की नीडल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेडन स्केल इज यूज्ड फॉर असेसिंग द रिस्क फॉर। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी ड्यूकेबेटस अल्सर एंड ऑप्शन डी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अल्सर को असेस करने के लिए हम ब्रेडन स्केल का यूज करते हैं।